सत्ता में आने के पहले मूल निवासी के नेता, बायकॉट का नेता, सभी लोगों ने वादा किया कि हम सत्ता में आएंगे तो ये जो मूल निवासी का अधिकार है हम काम करने का और देने का काम करेंगे। मानवर कांसी राम साहब का नारा था कि तिलक तराजू और तलवार इससे मारो जूते चार। इसी नारा पर बहन जी उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनने का काम की, लेकिन मुख्यमंत्री बनने के बाद माननीय बहन जी इस नारा को भूल गई और इस नारा को बदल दी। बहन जी वही बहन जी यही बहन जी बोला करती थी कि तिलक तराजू और तलवार इससे मारो जूते चार। आज बहन जी बोल रही है कि तिलक तराजू और तलवार इससे सीखो शिष्टाचार। क्या ब्राह्मण समाज के लोग हमको क्या शिष्टाचार सिखाएंगे? क्या यही शिष्टाचार है कि पदोन्नति में आरक्षण को खत्म कर देना, SC ST 8 को खत्म कर देना? क्या यही शिष्टाचार है? इसी नारा को अलग तरीका से रामविलास पासवान जी दिए, उनका भी कहना यही था कि मैं लड़ाई गरीबों का लड़ूंगा, दलितों का लड़ूंगा। लेकिन रामविलास पासवान जी पहले बोला करते थे, चाहे उनका जितना कैलेंडर निकला उस कैलेंडर में लिखा गया कि हम उस घर में दीप जलाएंगे जहां सदियों से अंधेरा है, हम उस घर में दीप जलाएंगे जहां सदियों से अंधेरा है। क्या सूरजभान सिंह के घर में अंधेरा है? रामा सिंह के घर में अंधेरा है? जिसके घर में पहले से लाइट जल रहा है, प्रकाश जल रहा है, उसको घर में दीप जलाने की क्या जरूरत? रामविलास पासवान जी यही बोलते थे कि हम उस घर में दीप जलाएंगे जहां सदियों से अंधेरा है। तो मेरा कहना यही है कि उन बड़े बड़े पूंजीपतियों के घर में अंधेरा है, सूरजभान सिंह के घर में अंधेरा है, रामा सिंह के घर में अंधेरा है। इन्होंने सत्ता में जाने के बाद गरीबों को घर में दीप जलाने के वादा किए, उस वादा को भूल गए। इन गरीबों को, उन मजदूरों को ध्यान देना चाहिए, उनका कैलेंडर को याद करना चाहिए, उनको नारा को याद करना चाहिए और इस चुनाव में जवाब भी देना चाहिए। इसी नारा को नीतीश कुमार जी बोले थे कि बिहार में मेरी सरकार बनेगी, बिहार में मेरी सरकार बनेगी, बीजेपी के सरकार केंद्र में रहेगा तो मैं बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दूंगा। मैं पूछना चाहता हूं नीतीश कुमार जी से, क्या बिहार का विशेष राज्य का दर्जा मिल गया? बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिल गया? केंद्र में भी बीजेपी के सरकार है, बिहार में भी बीजेपी के गठबंधन का सरकार है। नीतीश कुमार जी जवाब दीजिए, 90 के पहले माननीय लालू प्रसाद यादव भी नारा दिए थे कि हम सत्ता में आएंगे तो भूरा बाल साफ करेंगे। मुझे लगता है कि भूरा बाल वाला ही हमारे मालिक को साफ कर दिए, लालू जी को साफ कर दिए, लालू जी को साफ कर दिए। लालू जी को सोचना चाहिए
कि जो हमको साफ कर दिया, जिस कांग्रेस ने मुझे साफ कर दिया, उस कांग्रेस को साफ छोड़ देना चाहिए, उस कांग्रेस से अलग हट जाना चाहिए। नहीं तो जितना दिन कांग्रेस के साथ रहिएगा आपको फंसा कर रखेगा। माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी ये भी आज बोल रहे हैं, रंथ निकाले थे पूरे बिहार में कि मैं समान शिक्षा प्रणाली की लड़ाई लड़ रहा हूं, लेकिन पार्लियामेंट में जाने के बाद, बीजेपी के साथ रहने के बाद उस समय उनको याद नहीं आया कि कम से कम समान शिक्षा प्रणाली तो लागू कर दें। हमारे नेताओं ने केवल घोषणा किया लेकिन आज तक स्टाम्प पेपर पर लिख कर नहीं दिया। बहुजन मुक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय वीएल मातंग साहब वादा नहीं करते हैं, हम लोग वादा नहीं करते हैं, स्टाम्प पेपर पर लिख कर देते हैं कि मैं ये काम करूंगा, अगर नहीं करूंगा तो जनता उस स्टाम्प पेपर द्वारा मुझे जो भी सजा देगी मैं सहने के लिए तैयार हूं, लेने के लिए तैयार हूं, भुगने के लिए तैयार हूं। आने वाला दिन में जिस दिन जनता समझ जाएगी कि स्टाम्प पेपर वाला का भाईलू है कि मुंह से बोलने वाला का भाईलू है, अगर जनता सरकार बनाती है, मूल निवासी मेरा सरकार बनाते हैं, तो जितना स्टाम्प पेपर पर लिखा गया, जितना है घोषणा पत्र, मैं उस पर अमल और उस पर काम करने का काम करूंगा। अगर मैं उस पर खारा नहीं उतरा तो मैं जेल में जाने के लिए तैयार हूं, हर सजा भुगतने के लिए तैयार हूं। उन लोग जैसा नहीं कि वादा करके आज उस वादा को भूल गए, जनता को मूर्ख बना रहे हैं। तब पर भी जनता नहीं समझ रही है, मूल निवासी नहीं समझ रहा है कि ये लोग वादा क्या किए, ये लोग वादा का किए, आज तक एक भी वादा पूरा करने का काम नहीं किए। मैं 100% आरजेडी के सपोर्ट करूंगा, लेकिन मेरा मुद्दा को तेजस्वी यादव मान ले और स्टाम्प पेपर पर लिख कर दे, तीन मुद्दा समान शिक्षा प्रणाली बिहार से लागू करेगा तो लिख कर दे, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी अगर तेजस्वी यादव देता है तो हम लोग समर्थन करने के लिए तैयार हैं। इतना ही नहीं, बिहार से निजीकरण समाप्त कर दें, सत्ता में आएंगे मुख्यमंत्री बनेंगे तो मैं मांग करता हूं कि स्टाम्प पेपर पर लिख कर दें कि बिहार से निजीकरण मैं हटाने का काम करूंगा, क्योंकि घोषणा कर रहे हैं भाई तेजस्वी जी कि मैं बेरोजगारी दूर कर दूंगा बिहार से। कैसे करेंगे, कैसे बेरोजगारी दूर होगा, निजीकरण रहेगा तो बेरोजगारी दूर होगा? मुझे लगता है ये खोखला वादा कर रहे हैं, इस वादा को पूरा करने के लिए स्टाम्प पेपर पर लिख कर दो तब मान्य होगा, जनता मानेगी। जिस तरह से बीएमपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष वीएल मातंग साहब स्टाम्प पेपर पर लिख कर दिए, तेजस्वी जी मैं आह्वान करता हूं कि आप भी ये तीन मुद्दा स्टाम्प पेपर पर लिख कर दें, हम लोग साथ देंगे। जब तक स्टाम्प पेपर पर लिख कर नहीं दीजिएगा
जनता विश्वास नहीं करेगी, क्योंकि बिहार में शिक्षा मित्र का नियुक्ति 1500 रुपया में कौन किया था? कौन किया था? आपको पिताजी किए थे। आपको पिताजी का देन है कि 1500 शिक्षा मित्र की बहाली हुई, निजीकरण आया। आज नीतीश कुमार सिपाही के जगह पर, पुलिस के जगह पर आर्मी के रिटायरमेंट जवान को सैफ बनाकर डबल वेतन दे रहा है। एक तरफ से सरकार उसको पेंशन देती है, दूसरा बेरोजगारों का अधिकार छीन कर नीतीश जी फिर उसी आर्मी मैन को डबल वेतन दे रहे हो, डबल मार मार रहे हो। या इसी से बेरोजगारी खत्म होगी? बेरोजगारी खत्म करना है तो पहले निजीकरण खत्म करना होगा। जब तक निजीकरण खत्म नहीं होगा, बेरोजगारी खत्म नहीं होगी। कम से कम ओबीसी के लोग का नौकरी छीना गया, 90 लाख नौकरी छीना गया है आज 40 वर्षों में। ओबीसी अपना 27% आरक्षण के अनुसार अगर सोचता है तब, क्योंकि साल में 15 लाख लोग रिटायर हुआ करते थे और हो रहे हैं। पहले बहाली कितना होता था? 13 लाख मात्र हमको ओबीसी का 2-4% मिलता था। आज ओबीसी अपना अधिकार सोचे मात्र 25% के अनुसार, तो 12 लाख में कितना होता है? 3 लाख सालाना। 30 वर्षों से राज कर रहा है नीतीश जी लालू जी। अगर 30 वर्ष हो गया, साल में 3 लाख हुआ तो 30 वर्ष में कितना हुआ? 90 लाख ओबीसी का नौकरी बर्बाद करने का काम किया। तो ये दोनों मिलकर नौजवानों का भविष्य बर्बाद हो गया। अभी तो SC ST मैंडेटरी का हर अधिकार अलग है। जिस किसानों का मुद्दा लेकर आज भारत बंद करने का लोग ऐलान किए हैं, माननीय किसान नेता के तरफ से आह्वान किया गया सुरेश वर्मा जी के तरफ से, हम लोगों ने अपने पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के कहने पर, इशारा पर पूरे भारत का जितने SC ST OBC और मैंडेटरी का संसद जीत कर गए हैं, इस काला कानून के विरोध में हम लोगों ने पुतला दहन किया। इसके बाद इन विधायकों का पुतला दहन किया, लेकिन तब पर भी ये सरकार इन बातों को नहीं मानी, नहीं सुनी। लास्ट में किसान अधिन बिल को पारित कर दिया, राज्यसभा में भी पारित हो गया। लोग बोलते हैं कि राज्यसभा में बीजेपी का समर्थन नहीं है, बीजेपी का बहुमत नहीं है, तो पारित कैसे हो गया? मात्र उन 8 राज्यसभा के सांसदों को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं जिन लोगों ने कालर और फाइल फाड़ने का काम किया। क्या उसमें नीतीश जी का एक भी राज्यसभा का सदस्य है? तेजस्वी जी आपका एक भी सदस्य है कि जिन्होंने फाइल फाड़ने का काम किया? अरे वोट लेते हो आहिर से, कोइर से, कुर्मी से और मुसलमान से, राज्यसभा किसको भेजते हो? भुनियार को और बनिया को क्यों भाई? वोट तो मैंने दिया, वोट तो मुसलमानों ने दिया, वोट तो चमारों ने दिया, वोट तो दुसाधों ने दिया। इन 83 विधायक का मालिक कौन बन गया?
83 विधायक का मालिक कौन बना? आरएसएस। हम आग्रह करेंगे अपने विपक्ष के नेता से, भाई तेजस्वी जी से, दुश्मनों को मजबूत मत कीजिए। दुश्मनों को मजबूत मत कीजिए, ना तो वही दुश्मन पिताजी को बर्बाद किए, आपको बर्बाद कर रहे हैं, आने वाला हमारे समाज को भी बर्बाद कर रहा है। इतना ही कहकर भाई तेजस्वी जी से आग्रह करेंगे कि दुश्मनों को कभी मजबूत करने का काम मत कीजिए, आरएसएस के चंगुल में गोद में खेलने का काम मत कीजिए। इसलिए इतना ही कहकर मैं अपना वाणी पर विराम देता हूँ। जय मूल निवासी, जय बहुजन मुक्ति पार्टी, जय किसान, जय मजदूर।